तीन राज्यों में हार के बाद लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया, लगता है बीजेपी का टाइम आ गया है। क्या हुआ, क्या फिर से आएगी मोदी सरकार? कांग्रेस ने किया इतना बड़ा पलटवार, किसी को उम्मीद ना थी। सबने सोचा एनडीए का टाइम आ गया है, अब हाथ लहरा रहा है और कमल मुरझा गया है। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझे मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पंक्तियों का सही मतलब समझाया और कर डाला ऐलान, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण। जीत की खुशी ज्यादा दिन टिक ना पाई, बीजेपी ने कमर कसी अपनी रणनीति फिर से बनाई। जिसे कह रहे थे वो ढाई घंटे का जुमला, वो 124वां संविधान संशोधन बिल 323 वोटों से लोकसभा में पारित हो गया। जिस बिल को मैनिफेस्टो बताकर कर रहे थे उपहास, शायद वो भूल गए सत्ताधारी पार्टी का सिद्धांत, सबका साथ सबका विकास।